कि गुंजन के पास चलते हैं। गुंजन, लता मंगेशकर चौक पर आप खड़ी हैं और अयोध्या की खूबसूरती को ये चौक चार चांद लगा रहा है। कितना उत्साह लोगों के अंदर देखने को मिल रहा है अयोध्या दीपोत्सव को लेकर, क्योंकि प्रधानमंत्री भी आने वाले हैं तो और उत्साह लोगों का बढ़ जाता है। क्या कहना है लोगों का वाके? बिल्कुल आयुषी, प्रधानमंत्री के आगमन से पहले दीपोत्सव जितना भव्य हर बार होता था उससे कई गुना ज्यादा भव्य बनाने की तैयारी यहां पर की गई है। इस वक्त लता मंगेशकर चौक पर मैं मौजूद हूं। सबसे पहले आप उस चौक को देख लीजिए और उसके आसपास रूट डाइवर्जन कर दिया गया है, सिर्फ आपको लोग नजर आएंगे, कोई वाहन आपको नजर नहीं आएगा। इसके अलावा इस चौक पर जो व्यवस्था की गई है वो भी मैं आपको बताती हूँ। मेरे बाईं तरफ आप देखेंगे जहाँ पर राम कथा पार्क है, जहाँ पर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी और वहाँ पर प्रतीकात्मक अवतरण होगा राम सीता का और उसके बाद राज्याभिषेक किया जाएगा, सरयू जी की आरती होगी। सरयू ठीक मेरे पीछे है, लता मंगेशकर चौक के पीछे है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि वहां पर आरती करने के बाद राम की पैड़ी पर इस बार खास व्यवस्था की गई है, दीपों की जो संख्या है उसे काफी बढ़ा दिया गया है। लेकिन किस तरीके से पूरी अयोध्या बैनरों से, होर्डिंग से पटी पड़ी है ये आप देख सकती हैं। ये वो मुख्य द्वार है, अलग अलग नाम से द्वार बनाए गए हैं, सीता द्वार बनाया गया है, हनुमान द्वार बनाया गया है। इसके साथ साथ चौक पर रूट डाइवर्जन कर दिया गया है, लोग दूर दूर से पहुंच रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस यहाँ पर मौजूद है। ट्रैफिक पुलिस से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर रूट डाइवर्जन किया गया है, रूट डाइवर्जन की क्या व्यवस्था है यहाँ पर? सारी व्यवस्था है मैडम, कोई समस्या नहीं। यहाँ पे हमारे जवान मतलब लगे हुए फोर्स के पूरे, यहाँ पे पीएसी लगी हुई है, सिविल लगे जवान लगे हुए हैं, सभी लगे हुए हैं, सभी मौजूद हैं, कोई समस्या नहीं है। बाकी सब कुछ अच्छा चल रहा है, शाम की तैयारी हो रही है। सर तो कौन कौन सी फोर्स बुलाई गई? फोर्स यहाँ BSF है, CRPF है, सारी फोर्स हैं, मतलब सशस्त्र बल भी है हमारे यहाँ के, सब कुछ है, PAC है, सिविल है, तो फोर्स की कोई समस्या नहीं है। कई जगहों से, कई 27 लगभग हमारे यहाँ से 27 जिलों से फोर्स आई हुई है, जो 4 दिन पहले से आई हुई है, सारी व्यवस्था में लगे हुए हैं उनके। ठीक है, तो व्यवस्थाएं यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से पूरी है, लेकिन जो श्रद्धालु आए हैं उनसे भी हम देख रहे हैं और लोगों को इंतजार है दीपोत्सव का, प्रधानमंत्री का, और भव्य दीपोत्सव इस बार नजर आने वाला है अयोध्या में। बहुत धन्यवाद अवधेश जी, आपका भी और गुंजन आपका भी। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।